पनीर की सब्जी किसको पसंद नहीं है। हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जाऊँ देसी मसालों के साथ डिफरेंट स्टाइल में पनीर की सब्जी। मैंने पनीर को कट करके अच्छे से धो लिया है। कढ़ाई में तेल ले लिया है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पनीर फ्राई करने के लिए तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, कम लेंगे तो हमारे पनीर चिपक जाएंगे। पनीर सिक रहा है, अभी हमें इसे थोड़ा सा और सेकना है। इसे अच्छा सा हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। पनीर अच्छे से सिक गया है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और पानी में डुबो देंगे। हम ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारा पनीर है बाहर से तो बहुत क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। पनीर को हमने पानी में डाल दिया है। मैंने आधा कटोरी पानी में आधा चम्मच नमक डाल के घोलने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया, अब सबसे पहले हम डालेंगे 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 हरी इलायची को मैंने ऐसे खोल के इसमें डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। अभी हमें इसे अच्छे से चला कर लेना है। इसे हमें तेज आंच पर ही करना है। प्याज अच्छे से भून गया, अब मैं इसमें डालूंगी 2 लाल मिर्च। आप सोचोगे कि मैंने लाल मिर्च इसको तेल में क्यों नहीं डाला, प्याज के टाइम क्यों डाला। वो इसलिए क्योंकि मुझे तेल चरपरा नहीं चाहिए, मुझे सब्जी चरपरी चाहिए। अगर आपको तेल चरपरा चाहिए तो आप इसको तेल में डाल सकते हैं, मुझे सब्जी चरपरी चाहिए इसलिए मैं इसको प्याज के बाद डाल दूँगा। प्याज अच्छे से हो गया, अब हमने जो नमक और पानी का घोल रखा था वही इसमें डाल देंगे। इसे 1 मिनट तक ऐसे चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैंने 15 कली लहसुन के लिए और आधी चम्मच हल्दी, इन दोनों को अच्छे से पीस लिए। अब वो पेस्ट इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब हमें धीमी आंच पे इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब मैंने 1 मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से कट कर लिया और इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे और 5 मिनट में फिर से ढक के इसको छोड़ देंगे। 1 आलू हमारी सब्जी में स्वाद डबल कर देगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने 3 मिर्ची ली और 1 इंच अदरक लिए, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम लगा देंगे आधी कटोरी पानी और इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर को मैंने पीस लिए वो इसमें डाल देंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसमें कोई मसाले तो डाले नहीं, ना धनिया डाला ना मिर्ची डाली, सिर्फ हल्दी नमक डाला है। रुकिए दोस्तों, अब हम वो भी डालेंगे धीरे धीरे। मैंने कहा ना आपको, आज हम बना रहे स्पेशल पनीर की सब्जी, इसमें मसाले भी हम लोग स्पेशल तरीके से ही डालेंगे। 5 मिनट हो गए, देखिए अभी तक दोस्तों हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बेसिक से डाला तो भी इसका कलर बहुत प्यारा आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाह रही हूँ, पानी मैंने इसमें नहीं लगाया है। जब हम मिर्ची का पेस्ट डाल लेते हैं तभी हमें जितना पानी लगाना है तभी लगाना है, इसलिए हमें इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना है। 5 मिनट हो गए, अब हम पनीर को निकाल लेंगे, पानी नहीं छोड़ देंगे और इसमें डाल देंगे। इसे मिलाकर 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मिर्ची। मैंने छोटी ही वाला चम्मच लिए, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे और ढककर 2 मिनट में और छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच हरी इलायची जो मैंने इस तरीके से मिक्सी में पीस लिया। अब हम इसको मिला के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। पनीर की सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों।
आप ये किससे खाना पसंद करते हैं? पराठे के साथ, रोटी के साथ? मुझे तो नान पसंद है, तो अब मैं बनाऊंगी नान। नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 1 कटोरी मैदा, 2 कटोरी लेंगे हम लोग इसमें गेहूं का आटा। मैदा इसलिए लिए ताकि हमारा जो नान है वो एकदम नरम और सॉफ्ट बने। अब इसमें डाल के हम लोग 1 चम्मच चीनी, 2 चुटकी डालेंगे इसमें मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। इसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। अब इसे हम अच्छे से मिलाकर अब एक नरम आटा तैयार कर लेंगे। आटा हमारा लग गया है, अब हम हाथ को हल्का सा चिकना करके इस पर लगा देंगे, उसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। इसे हमें कोई फर्मेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से मसल लेंगे और हमारा डो रेडी हो जाएगा। डो हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ के रख लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम एक निकालेंगे, बाकी को ढक के रख देंगे। अब हम एक लोई लेंगे, इस पर थोड़ा सा पॉलीथीन फूकेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे हमने बेल लिया, अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी करौंजी, थोड़ी सी धनिया पत्ती। इसे अच्छे से दबा के हल्का सा हम लोग बेल लेंगे। इसे हमने अच्छे से बेल लिया, अब हम इसको पलट लेंगे, अच्छे से हल्का सा पानी लगा देंगे। अब इसको तवे पे लगा देंगे। और धीमी आंच पे इसको सेकने देंगे। एक तब से रोटी सिक गई है, अब हम मीडियम आंच पे इस तवे को ऐसे उल्टा कर देंगे और इसे नीचे से ऐसे घुमा घुमा के सेकेंगे। अब हम इसको डालेंगे। अब हम दूसरी रोटी डाल देंगे, इसको तेज आंच पर कर देंगे, जैसे ही फूलेगी वैसे हम इसको पलट कर सेक लेंगे। रोटी अच्छे से फूल गई है, अब हम इसको पलट कर सेक लेंगे, धीमी आंच पर इसको सेक लेंगे। इसको घुमा घुमा के सेक लेंगे। देखिए दोस्तों, तवे पे हमारा नान बनकर तैयार है, अब हम इस पर बटर लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे नान को सेक लेंगे। इसे धीमी आंच पर ही हमें सेकना है, ऐसे घुमा घुमा के तवे को हम लोग इसी तरीके से अपने सारे नान सेक लेंगे। नान अच्छे से सेक गया है, इसी तरीके से हम सारे नान सेक लेंगे और सर्व कर लेंगे। अगर आपको नान सेकने में दिक्कत आए तो आप इसको इस तरीके से हटा के और डायरेक्ट गैस पे इसको सेक सकते हैं। थोड़ा सा तवे पे सेक लीजिए, बाकी आप इसको ऐसे गैस पे सेक सकते हैं। हमारी पनीर की सब्जी और नान बनकर तैयार है दोस्तों। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय। राधे राधे दोस्तों।